हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने थ्री इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी। उसमें एक रेंचो का किरदार था और ये रेंचो का किरदार था हमारे लद्दाख के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट राइटर जिन्होंने बहुत सारे पेटेंट करा रखे हैं, सोनम वांगचुक साहब का। और इस किरदार को इसलिए आज चर्चा में कर रहे हैं कि वो साहब -16 डिग्री पर 10 दिनों से एक अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वो ये कहते हैं कि हमको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। दोस्तों, ये शेड्यूल 6 क्या होता है इसको जानते हैं आज। और इससे पहले, अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिटेल्स, जानकारी और नए जो नोटिफिकेशंस वीडियो के होते हैं वो आपको तभी मिल पाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शेड्यूल 6 की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 6 जो है, स्पेशली जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनके लिए लागू होता है। वहाँ पर उनको अपने कल्चर, जो भी अपनी उनकी संस्कृति है या उनके जो कस्टम्स हैं, उनके संरक्षण के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ जंगल तो नहीं है, लेकिन पहाड़ और जो वहाँ की खूबसूरती है, और उन्होंने अपना कल्चर बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है। और वहाँ पर लगभग 3 लाख की आबादी है, उसमें से 30,000 लोग इस विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करने आए। अब आप जान सकते हैं, किसी राज्य के 10% लोग अगर सड़क पर आते हैं तो कोई खास बात रही होगी। जी हाँ दोस्तों, 2019 में जब हमारा ये आर्टिकल 370 हटा था जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमने जो है इस पूरे स्टेट को, जो स्टेट का दर्जा था, उसको 2 भागों में स्प्लिट कर दिया। एक तो जो कश्मीर हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख। अब जो कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर पहले से उनकी अपनी विधानसभा होती थी, उनके अपने MLA चुने जाते थे, तो वहाँ पर तो विधानसभा वैसे की वैसी है और वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आप ऐसा समझ लीजिए कि दिल्ली की तरह है। यानी दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जाती है और वो सरकार चलाती है, भले ही केंद्र उसको उस तरह से काम करने दे या ना दे, लेकिन फिर भी जनता अपना बंदा जो है खुद चुनती है। अब अगर हम बात करें लद्दाख की, तो वहाँ पर जो है इलेक्शन नहीं हो सकते, उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, वो अपनी आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते, तो वहाँ पर जो है सीटों की बात आ रही है। लोकसभा की एक ही सीट है, तो वहाँ बात की जा रही है कि सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है, अपना विधानसभा होने की मांग की जा रही है। साथ साथ जो आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना सब कुछ संरक्षण करने की परमिशन, और वो अगर दे दिया गया तो वहाँ पे जिस तरह से माइनिंग आपकी उड़ीसा झारखंड में होती है, या हमारे जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर्स होता है, वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसकी मांग चली आ रही है। 2019 में जब इलेक्शन शुरू हुए थे, तो वहाँ पर BJP के मैनिफेस्टो में ये बोला गया था, सबसे पहली कुछ मांगों में ये था कि हम यहां पे आर्टिकल 6 के अंतर्गत इसको लाएंगे, लेकिन अभी तक लाएगा नहीं। उसके बाद 19 से लगातार जो है धरने प्रदर्शन होते रहे, 21 में बहुत बड़ा हुआ, 22 में बहुत बड़ा हुआ, अब जाके ये इतना बड़ा रूप ले गया है कि जिस राज्य की 10% आबादी सड़कों पर आ गई है। तो दोस्तों, मांग कर रहे हैं कि ऐसा आर्टिकल 6 में लाके हमारे जो प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसको बचाया जाए, हम उसको कल्चर को मेंटेन कर पाएं। क्योंकि जब इंडस्ट्री वहां पर आ जाएंगी तो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपने और राज्यों में देख ही लिया है, अभी तक ये वहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस तरह की मांग की जा रही है, और मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस करने के बाद, बहुत सारे स्पीचों में नेताओं ने प्रॉमिस कर दिया, उसके बावजूद भी आज तक आर्टिकल 6 का दर्जा, आर्टिकल 6 के अंदर जो है लद्दाख को नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ये न्यूज़, ये हमारी जानकारी थी। इस जानकारी में और भी कोई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।